रेटू निकल जाएगा, देखो निकल गया। आपका गधा यहाँ लटका है क्या? ओह माय गॉड। चले गाइस, यहाँ पे कुकर बार बार सीटी मार रहा है मुझे देख के, तो यहाँ पे आपको आरुष बाबू जा। ट्विंकल को मेरे पहनाया गया है आरुष का पैंट। वाह, बाबू ए बाबू क्या खेल रहे हो ये? यहाँ आओ पहले। आरुष बाबू जा, देख लो आओ उठो। इसके पास चार छह दांत है। हाँ चार छह दांत है। हाँ अरे यार बाबू जाओ गैया देख लो। चलो अरे यार इतना ज्यादा मिट्टी, चलो घर मजा आएगा आज। मालिश भी कर रहा है आज, ढंग से एंटीबॉडीज बनेंगे। अब रोज आया करो मेरे घर। हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। अभी बाबू पानी पी रहा है, इस रिश्ते से हमको ये चलता है, पता चलता है कि बाबू अभी पानी पी रहा है। बाबू रेटू को भी पिलाओगे क्या? हाँ रेटू को भी। आ ये अभी बाहर गया था गैया से मिट्टी खेला है, उसके बाद अभी यहाँ पे आया है और मैं इसको ही लेके गया था। चल के देखता हूँ बाबू किचन में आज क्या बना रही है। हाँ बिट्टू आज क्या बना रही हो? बना रही हूँ सोया चॉप, जिसकी आप लोग मेरी रेसिपी जानते ही हो। मैं जब संजान में थी तो मैं आप लोगों को दिखाई थी कि सोया चॉप कैसे बनते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मेरे सोया चॉप की रेसिपी देख सकते हैं, और जिनको मेरी रेसिपी नहीं देख रही, जो ऐसे मेरी रेसिपी नहीं देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं किसी और की। तो सोया चॉप बहुत अच्छा बनता है, तो आप अपनी फैमिली में बना के खिला सकते हैं। और ये बना रही हूँ आज मैं सोया चॉप, जो कि मेरे ससुराल साइड में अभी बहुत रेयर केस में कोई खाया होगा, है ना? तो इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि बन गया ना। हाँ हाँ थोड़ा सा और बाकी है। और पापा के लिए आलू भी बॉईल कर रही हूँ, अगर पापा ये नहीं खाएंगे तो दूसरा ऑप्शन मेरा रेडी रहना चाहिए, है ना? वैसे पापा खाएंगे, पापा को मेरी हर बनाई हुई डिश बहुत डिलीशियस लगती है तो वो खाते ही हैं। तो बट फिर भी कभी कभी पापा का पेट खराब रहता है, तो इसके लिए मैं आलू बॉईल करके रखी हूँ, फटाक से चोखा बना लूँगी और आटा भी गूँथ ली हूँ, रोटी भी बन जाएगा, तो फटाफट आज मेरा खाना बन गया। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यही होती है कि मैं टाइम से बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को रात को ऐसे किचन में वो करना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं यार रोटियाँ सब गर्म गर्म खाते हैं तो इसलिए आटा गूँथ के रख देती हूँ, जब खाते हैं तब बनाते हैं। चले गाइस, यहाँ पे कुकर बार बार सीटी मार रहा है मुझे देख के, तो यहाँ पे रुकना ज़्यादा उचित नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कुकर महोदय हैं, बार बार सीटी मार रहे हैं। क्या बिट्टू? यस। आओ मैं देखता हूँ बाबू अकेले क्या कर रहा है। अच्छा फोन दो, पहले फोन रखा हुआ था चार्जिंग से निकाल के सोफे पे उल्टा बैठ के खेल रहा है। बदमाशी कहीं कम नहीं होनी चाहिए बाबू। देखो कैसे उतरेगा, एक मिनट में डाउन। एक मिनट में डाउन। हाँ कहाँ कहाँ चल रही है भाई, कहाँ कहाँ जा कहाँ रहे हो, कहाँ जा, कौन सी जगह? उसको पा गया गंदी चीज। नहीं चल कुछ ना कुछ शैतानी पाई जाए। चलो बाबू चलो। हे आज मिट्टी खेलने गए थे ना, चलो पहले तुमको धुलाए तो चलो। तो गाइस आरुष को हमने अच्छे से पूरा शरीर पोंछ दिया है, क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और मैं ये कपड़ा लेकर जा रही हूँ बाबू पहनाएंगे, क्योंकि वो आरुष को पाउडर वाउडर लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सब्जी देखने आई थी तो ऑलमोस्ट मेरी सब्जी हो गई है, मैंने धनिया भी काट के डाल दिया है, जो कि दिखने में तो लाजवाब लग रही है, खाने में भी। अभी 5 मिनट इसको और पकने देना है,
तो वो पके, चलो हम चलते हैं बाबू के पास। और उसको ये मैं लेके आई हूँ लड़की वाला नाइट में पहनाने के लिए। ये देखो हॉल का पूरा नज़ारा, इधर आ रहा उसको बाबू ये पहना दो, देखो है ना, आपकी चॉइस का पहनाओ। देखा दादी आरू क्या कर रहे हो बेटा, आरू देखो जरा शकल, देखो शकल, देखो पापा कैसे बनाया तुमको। अरे बाप रे, शकल कैसे बन गई है बेटे की। बेटा ये नया नया पहनोगे आरू, नया नया पहनोगे, पहन लो। अरे वाह आरुष, तो कितनी क्यूटी बेटी लग रही, कितनी क्यूटी बेटी, मेरी ट्विंकल की तरह। ट्विंकल को मेरे पहनाया गया है आरुष का पैंट, वाह। देखो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, देखो आरू, ये देखो इधर, देखो जय कर दो, इधर जय करो, जाओ आरू से नहीं बात करेंगे, जाओ जय कर दो। ये देखो वाह कितनी क्यूटी बेटी लग रही है, देखो देखो आरू, वाह कितनी क्यूट लग रही है। आरू फ्लाइंग किस दो, देखो आरू फ्लाइंग किस दे दो, ऐसे नहीं ऐसे दो, अभी देख रहा है हमको उड़ना कहां, ऐसे दो, जाओ आरू से बात नहीं करेंगे, छोड़ो आरू, आरू फ्लैंक किस दे दो, आरू से बात नहीं करेंगे, जाओ बाय आरू। यार ये लुलू आवा भलाई ला, लुलू क्या आया है, लुलू कितने रफ्तार में भाग रहा, जरा देखो तो ऐसा रफ्तार में भाग रहा है जैसे इसको रेटू से बड़ा प्यार है, लेकिन पकड़ता उसको इतना चमोट के है ना, ऐसे पकड़ता है ना कि रेटू बेचारा डर जाता है कसम से। और ये देखो खुला है और उधर भागने शुरू कर देता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, रेटू निकल जाएगा, देखो निकल गया। अब लालू को देखना पड़ेगा क्या किया आरू, क्या किया लालू, भाग गया ना, भाग गया लालू बेटा, बंद कर दो, बंद कर दो जाली, बंद कर दो, हाँ इधर आओ, जाओ पापा पास जाओ, आप बाबू अपना एक्स्ट्रा फोन बजा लो। ये लड़का दिन भर इतनी शरारत करता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं, मेरी वीडियो भी यहाँ कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, इसके परेशान करने चाहिए। और पता नहीं क्यों यहाँ मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रही है, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है कि क्या ही बताऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नींद स्किप करूँ और कुछ ना कुछ करूँ। मेरी कुछ वीडियो है जो कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरा स्टडी अब कम्प्लीट होने वाला है, तो मुझे उसका वीडियो बनाकर भेजना था, बट मैं अभी तक नहीं भेज पाई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत है बट आलस और वो फोकस नहीं हो पा रहा है। बट आई विश कि मैं आज नाइट में वो वीडियो शूट करके भेज दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरी मैम मुझे अच्छे से क्लास लगा देंगी, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज भेज दूँ। तो और मैं क्या मतलब एडमिशन किस चीज़ का कराई हूँ, क्या की हूँ, ये मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊँगी, ये थोड़ा सस्पेंस है बिकॉज़ मुझे खुद का ब्रांड खोलना है, तो उसके लिए कुछ है ये जो कि मैं सीखी हूँ, इस चीज़ के लिए मेरे ब्रांड का बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो प्रमोशन मैं अभी नहीं करूँगी अपने ब्रांड का, एक स्पेशल चीज़ करके बताऊँगी क्योंकि मेरे ब्रांड का नेम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, तो ये थोड़ा सस्पेंस है, वेट करो कुछ टाइम। तो पहले मैं वो वीडियो शूट करके मैं आज पक्का ना बाबू, आज आप मुझे नाइट में पक्का वो याद दिलाना, ठीक है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक, एक्सलोफोन बजा के बताता हूँ। हाँ भले रात को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मैं वीडियो शूट करके भेजूंगी, हटो चलो, हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रही हूँ। तो मेरे कुछ क्लासेस चलते थे जो कि अब कम्प्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, बट एक वीडियो शूट करके भेजना है, वो मैं आज पक्का भेजूंगी, चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आपका गधा यहाँ लटका है क्या, ओ माय गॉड, लो जाओ जाओ हॉल, हॉल वाले रूम में जाओ, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ 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 पापा पास जाओ, चलो चलो निकलो, जाओ पापा पास जाओ, जाओ जाओ पापा पास जाओ। कैसे जा रहा है, मैं यहाँ पे अपना सब्जी देख रहे हैं कि दोबारा से पक गया कि नहीं, एक बार और चला देती हूँ और बंद कर देती हूँ। अब जाके ये पक गया है,
मेरी सब्जी पक गई है, मैं इसको बंद कर दूंगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सोया चाप में, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस एक और न्यूज़ में आप लोग को बताते हैं, अब आरुष को दूध या फिर पानी कुछ चाहिए होता है ना, तो वो खुद से मांगता है। क्या चाहिए बेटा? दूध। दूध चाहिए बेटा? हाँ चलो देती हूँ। तो मैं आरुष की बॉटली थोड़ा सा वॉश करती हूँ, उसके बाद दूध दूंगी। हाँ देख रहा। मेरा बाबू ने आने से हरकतें करने लगा है ना, कि हंसी आती है, फनी फनी टाइप की हरकतें ना बेटा। चलो तो गाइस मैं इसको दूध पहले पिला देती हूँ, ओके, क्योंकि इसको लगी है भूख। बाय बोलो, बाय करो। तो गाइस सब लोग खा चुके हैं, मम्मी भी अपना खाना लेके गई, यहाँ पे बाबू का भी खाना निकल गया, मेरा भी निकल गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने, मिलते हैं डिनर के बाद, बाय बाय। क्लीनिंग हो चुकी है, साफ सफाई हो गया, अब हम जा रहे हैं सोने अपने कमरे में। तो चलो मिलते हो अपने कमरे में, ओके। तो गाइज मैं आरुष को सुला रही हूँ और एसी चालू हो गया, जस्ट उसी सामने लेके बैठी हूँ, क्योंकि अभी भी चालू हुआ है तो बस यही ठंडा हवा दे रहा है। कमरा बहुत गर्म था तो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा, बिस्तर भी पूरा गर्म है ना। और हमारे कमरे में एसी लग गई है, धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आरुष उठ जाएगा, तो उठने के बाद वो मैं सहन सकती मेरी नहीं है कि मैं उसको सहन सकूँ। तो चलो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। मुंह में घुसा दोगे क्या जी?
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म करना है, कुछ मेरे हेटर्स हैं शायद जिनको मैं जानती हूँ, वो हेटर्स आके मेरे को कमेंट कर रहे हैं, बट मैं अपने हेटर्स को इतना बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं उन हेटर्स के लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ, उन ब्लॉग में मैं उन हेटर्स का वाट लगाऊंगी, वाट वाट मतलब समझते हो ना, वाट लगाऊंगी, उनको उन्हीं के तरीके से बताऊंगी कि उनकी कितनी घटिया और गंदी सोच है। तो आप लोग रेडी रहना, जितने लोगों ने मुझे बोला है ना कमेंट में आके, है ना, तो आप लोग सुनने के लिए भी रेडी रहना। और शायद ना ये कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वही लोग हैं, तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो वो उनमें से ही हैं, तो उन लोगों के लिए लेकर आऊँगी मैं एक ब्लॉग, छोड़ूंगी नहीं मैं इतनी तो अच्छी नहीं हूँ मैं, है ना, छोड़ूंगी नहीं, ब्लॉग आएगा आपके लिए, बहुत अच्छे वाले आएगा, और अपने आप लोगों के लिए भर भर के तारीफ आएगा, उसको सुनना बिल्कुल, है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।